कर्पूरी ठाकुर जी को कौन गाली देता था? कहता था कि कर्पूरी कर्पूरा उठा कैंची धर छुरा, ऐसे ही कुछ बोलता था ना जी जी। तो कौन बोलता था? भाजपा वाले बोलते, वही बोलते थे, वही समाजवादी विचारधारा के लोग जो समाज, बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्री जो भी हैं, एक का कहना है कि आप कुशवाहा को डरने की जरूरत नहीं है और दूसरे का कहना है कि अब हिंदू को डरने की जरूरत नहीं है, क्या इस पर कहेंगे? बक्सर में आकर ज्योति प्रकाश जी का मल्यार्पण नहीं किया, फिर से जगदेव बाबू के जो हत्यारा है जिसने गोली मारा हत्या किया उसी के साथ जाकर गलभैया मिला है। अच्छा। और सम्राट चौधरी को सबसे कम उम्र में मंत्री हमारे माननीय श्री लालू प्रसाद जी। अरे उन लोगों से पूछो, मूर्खों से, अरे भाई तुम बोलो भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है कि हिंदू देश है? तुम्हारा देश संविधान से चलता है कि मनु का संविधान? उन लोग का भरमाने का काम करता है, उन लोग शिक्षा पर बात करें ना, रोजगार देने का बात करें। अरे कुशवाहा की क्या बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी, उनके पूर्वज को जिन लोगों ने मारा गोली से आज उन्हीं लोग के साथ खड़ा है। देव प्रसाद कुशवाहा को जिस हत्या हुई, हत्या के बाद जानते हैं क्या उनको दिया? नक्सली का दर्जा दिया उनको। अच्छा, कौन दिया? यही बीजेपी माइंडेड वाले लोग। हाँ। और जनता दल जाति के बात नहीं करती है। हाँ। पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे राष्ट्रीय जनता दल समाजवादी सोच रखने वाली पार्टी है, इसमें हर जाति धर्म के लोग का कि मुख्यमंत्री बना जाएगा, ये मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये मुख्यमंत्री है। हाँ, मुख्यमंत्री। जैसे उत्तर प्रदेश में मौर्य जी को फ्रंट लाइन पे खड़ा करके कुशवाहा का वोट लिया ना, सरकार बना ना, आज कहाँ उनको किया। मोदी और शाह की बात छोड़िए, हाँ एक ताड़ी पार है और दूसरे का तो आप नाम जानिए रहे हैं। सम्राट चौधरी का कहना है कि अब हम उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं बिहार का, अब जितने भी कुशवाहा भाई हैं अब उनको डरने का जरूरत नहीं है, जहाँ कभी भी दिक्कत होता है डायरेक्ट हमारे पास कॉल कीजिए, हम वहाँ पर एक्शन लेंगे। हमारे साथ एक कुशवाहा भाई है जो कि युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश जो कि युवा के लिए जो है महासचिव है, इनसे हम लोग बात करते हैं, क्या कहते हैं? अब डरने वरने का जरूरत नहीं है आप लोगों को? उप मुख्यमंत्री बन गए हैं सम्राट चौधरी। कुशवाहा ना पहले डरा था ना अब डर रहा है, ना आगे भी डरने वाला नहीं है। काहे? इसलिए लालू यादव ने जो आवाज दिया है बोलने का, जो उन्होंने ताकत दिया है, तो फिर इसमें डर के कहाँ सवाल? तो डर और पैदा कर रहे हैं सम्राट चौधरी जी। बक्सर में आकर ज्योति प्रकाश जी का मल्यार्पण नहीं किया, फिर से जगदेव बाबू के जो हत्यारा है जिसने गोली मारा हत्या किया उसी के साथ जाकर गलभैया मिला है। अच्छा। और सम्राट चौधरी को सबसे कम उम्र में मंत्री हमारे माननीय श्री लालू प्रसाद जी नहीं बनाया था, नेता उन्होंने ही बनाया, शकुनी चौधरी भी मेरे ही दल में थे। तो जिसने पैदा किया अब वो बोल रहा है कि डरने की आवश्यकता नहीं है। आज से 90 के दशक में आप देखिएगा कि उस समय कौन मैंने अत्याचार करता था, बोलने की आवाज नहीं था, किसी को डराते धमकाते लोग थे, बैठने की ताकत नहीं था। लालू यादव ने वो आवाज दिया, बोलने चालने का, अपने हक और अधिकार लड़ने का आवाज दिया, तो फिर कैसे हम कहें कि कुशवाहा समाज में डर रहा है? कुशवाहा समाज सशक्त है, मजबूत है। हाँ, लालू यादव जब तक रहेंगे, जब तक राष्ट्रीय जनता दल है तब तक कुशवाहा समाज अपने आप को सशक्त महसूस करेगा। कुशवाहा लोग बोल रहे हैं कि अब तो उप मुख्यमंत्री बन गए, हम वोट देंगे बीजेपी। उपेंद्र कुशवाहा बोलते थे, चले गए ना, ऐसा ही इनको आगे फ्रंट लाइन पे खड़ा करके बुलवाया जा रहा है। ये लोग कह रहा है कि मुख्यमंत्री बना जाएगा, ये मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये मुख्यमंत्री है। हाँ, मुख्यमंत्री। जैसे उत्तर प्रदेश में मौर्य जी को फ्रंट लाइन पे खड़ा करके कुशवाहा का वोट लिया ना, सरकार बना ना, आज कहाँ उनको किया साइड किया है, है। कौन पूछ रहा है उसको, मौर्य जी को? वैसे ही हम तो बिहार के सभी कुशवाहा समाज भाइयों से आग्रह करना चाहते हैं, ऐसे पाखंडियों के चक्कर में न पड़े, ये सब आपका वोट लेगा, ले जाकर भाजपा के झोली में बेच देगा। आप लोग लालू जी के जो जिसने आप लोग आवाज दिया उसके मार्गदर्शन में चलिए, उसके राह पर चलिए, लालू जी के हाथ को मजबूत कीजिए, ही आप लोग से आग्रह है। क्या बोल रहे थे जगदेव प्रसाद बाबू के बारे में? जगदेव प्रसाद कुशवाहा को जिस हत्या हुई, हत्या के बाद जानते हैं क्या उनको दिया? नक्सली का दर्जा दिया उनको। अच्छा, कौन दिया? यही बीजेपी माइंडेड वाले लोग। हाँ। और क्या जगदेव प्रसाद बाबू को अभी पूरा नाम ले रहे हैं? छोड़िए ना, हम आपसे आपसे हम कहे ना अभी कर्पूरी ठाकुर को दिया है दशरथन का, आपको पता है दिया ना, जानते हैं कर्पूरी ठाकुर जी को कौन गाली देता था? कहता था कि कर्पूरी कर्पूरा उठा कैंची धर छुरा, ऐसे ही कुछ बोलता था ना जी जी। तो कौन बोलता था? भाजपा वाले बोलते, वही बोलते थे, वही समाजवादी विचारधारा के लोग जो समाजवादी लोग बोलते थे, आज वही लोग दिया है ना। इसे सब बिहार की जनता, पूरी देश की जनता जानती है। हाँ। कि कथनी कर करनी में क्या फर्क है, ये तो सब लोग जानता है कि इस देश का नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह जुमलेबाज है। हाँ। उसी का अनुवाई लोग नहीं जी याद है,
तो जो आदमी उसको नक्सली कहा, जो ही मुख्यमंत्री कुर्सी बैठे लालू जी, उस आदमी को शहीद का दर्जा दिए। इतना ही नहीं किए, उस आदमी के आदमकद बहुत प्रतिमा लगवाए ना। आज उनके गर्दन लोग माला डाल रहा है। जानते हैं कहे लिए कि लोग जो हम लोग दूरा जो भूल जा रहे, भूलने वाले हम लोग हैं जी। तूने जो किया है हम सबों के जीवन में एक एक रोम रोम में चीज है। अच्छा। हाँ, लेकिन हम लोग तुम्हारे से नक्सली नहीं है। हाँ। समाजवादी विचारधारा के हम लोग नहीं है। हाँ। नहीं, समाजवाद के हम लोग हैं। मेरा नेता जो है समाजवादी है, समाजवाद का विचार जोधा है। हम लोग उसी राह पर चलते हैं। तुम जो राह पर चलोगे हम लोग नहीं चलेंगे। नहीं, हम लोग का धारा अलग है। अच्छा। अब तुम हिंदू की बात करते हो। हाँ। अरे उन लोगों से पूछो, मूर्खों से। हाँ। अरे भाई तुम बोलो, भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है कि हिंदू देश है? तुम्हारा देश संविधान से चलता है कि मनु का संविधान से चलता है? जिस समय मनु का संविधान था वही बातें थी। मनुस्मृति बोल रहे। हाँ, मैंने मनु का संविधान जानते, सीधा मनु का संविधान। हाँ। जो लेकिन आज भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है। हाँ। इस संविधान से देश चलता है। मनु का संविधान से चलता था तो था, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। हाँ। हम पढ़ते थे क्या? जात पूछ करके विद्यालय से बाहर कर दिया जाता था। एकलव्य का नाम सुने आप ना जी? इतना बड़ा धनुधर अंगूठा दिख, कैसा अंगूठा लिया गया? धोखे से? नहीं, धोखे से। वो आदमी आप उनको आदर्श मान करके गुरु माना, और गुरु के ही कर्तव्य होता है। वैसे ही लोग हैं बीजेपी में। हाँ। इसलिए हम सब भाइयों से कहना चाहेंगे कि द्रोण जैसे गुरु से सतर्क रहना भाइयों, फिर एकलव्य जैसा अंगूठा ले लेगा। हाँ, हाँ, इसे सतर्क रहना है। अच्छा। ये बड़े धोखेबाज लोग हैं। हाँ, धोखेबाज जानते हैं तीन कैटेगरी के लोग होते हैं। कौन कौन? एक चालाक जिसको कहते हैं अपना। हाँ। चालाक का जानते हैं अंग्रेजी में उसको क्लेवर कहते हैं। हाँ। क्लेवर का जानते हैं शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दूर। अच्छा। और दूसरा जो होता है। हाँ। वाइज। हाँ। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं क्या करता है? क्या करता है? अपने ही केवल नहीं भलाई देखता है। हाँ। अपने लोगों को भी देखता है कि उसके भी सोचता है कि हम मेरा भला तो सबका भला। तीसरा जो होता है इंटेलिजेंट होता है, है ना? वो जो होता है सबको देखता है, दूर नहीं होता है। लेकिन बीजेपी वाले को हम क्लेवर कह सकते हैं। हाँ। क्लेवर का शाब्दिक अर्थ धूर्त होता है। हाँ। इसके नेता धूर्त है, इसके कार्यकर्ता धूर्त है। हाँ। इसके अनुयायी धूर्त है। हाँ। सीधी बात, धोखा दे रहे हैं सब। धूर्त कहते हैं बक्सर किला का मैदान है। कर्पूरी ठाकुर जी जब आते थे यहाँ सभा करने के लिए तो भाजपा के सारे नेता उनको गाली देते थे। अच्छा। माँ को, बहन को गाली देते थे। आदरणीय हमारे तेजस्वी जी आज से एक साल से केंद्र सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, न्यूज चैनल पर भी चल रहा था। आदरणीय तेजस्वी जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि ये कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न उन्होंने प्रेशर में दिया है। प्रेशर में दिया? हाँ, प्रेशर में दिया है। हाँ। कि नहीं देंगे तो फिर हमारा वोट बैंक यहाँ सुभर हो जाएगा। लेकिन बिहार के जनता जानती है, अभी तो पांच पांच भारत रत्न मिल रहा है। अरे बिहार की जनता जानती है कि तेजस्वी जी के ही लड़ाई लड़ने के बाद केंद्र सरकार ने भारत रत्न दिया है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, जगदेव बाबू की बात कर रहे हैं ना, जगदेव बाबू को पटना में जो आदमकद मूर्ति लगा है ना, लालू जी ने ही लगवाया है। और जहाँ लगा रहे थे वो बहुत विरोध हुआ था, लेकिन लालू जी ने, इससे मजबूत आदमी है कि वो जगदेव बाबू को वहाँ मूर्ति लगा। और यहाँ पर भी जो मूर्ति लगा है ज्योति प्रकाश जी का, कुशवाहा समाज को तो जागना चाहिए। वैसे धूर्तों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था कि जब ज्योति प्रकाश जी का मूर्ति लग रहा था तो उस समय लोग विरोध कर रहा था, उच्च कोटि के लोग। लेकिन लालू यादव ने मजबूती के साथ ज्योति प्रकाश जी का भी मूर्ति लगवाया। लोग इसको भी लोग गाली देता था ज्योति प्रकाश जी को। तो हम कैसे कहें, सम्राट चौधरी तो कुशवाहा को मूर्ख बना रहे हैं, बुड़बक बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। कुशवाहा को तो सतर्क रहना चाहिए वैसे सम्राट चौधरी से। हाँ। एक साल में तीन ही व्यक्ति को देना है। हाँ, लेकिन हाँ, पांच को दे दिया। हाँ। अब सोच सकते हैं आप, किस आदमी के पास क्या ज्ञान है। हाँ। एक साल में तीन ही को देना है, तुम पांच कैसे दे दिया भाई? ये सोचने समझने की बात है। तो ऐसे लोगों की बात क्या करेंगे जिसको ये अकल नहीं है। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा रत्न होता है। माने तीन ही को देना है, एक साल में तीन से ज्यादा को नहीं दे सकते हैं, ये संविधान सम्मत चीज है। लेकिन पांच को दे दिया ही, तो इस आदमी को अकले नहीं है, ज्ञाने नहीं है कि हमें कितना देना है, क्या करना है। तो उस आदमी की बात हम लोग क्या करेंगे, है ना? अरे छोड़िए, मोदी और शाह की बात छोड़िए। हाँ, एक ताड़ी पार है और दूसरे का तो आप नाम जानिए रहे हैं। ये जनता दल जाति के बात नहीं करती है। हाँ। पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे राष्ट्रीय जनता दल
समाजवादी सोच रखने वाली पार्टी है, इसमें हर जाति धर्म के लोग का समान है और हर एकदम बहुत अपने स्वेच्छा से है। लोग जाति के बात करते हैं, लालू जी जो है हमारे बिहार के सभी वर्ग के साथियों को मान सम्मान देने का काम किया, दलित हो, अति पिछड़ा हो, पंडित जी हो, बाबू साहेब हो, जो भी लोग हैं सभी लोग के मान सम्मान देने का कार्य किए हैं और अभी भी कर रहे हैं। झूठों के जाति होती भरमाते हैं, जाति पाति से अब काम नहीं चलेगा। हम लोग के क्या चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, खाली झूठों के घंटी या फलाना हिलाने से सब काम चलेगा। ये तो से फ्लोर टेस्ट में आप लोग पास हो पाइएगा, एकदम हम लोग पास होंगे। जिला अध्यक्ष हैं बक्सर जिला के युवा के आप। पहले तो हम आपको, आपके चैनल को, अपने युवा राष्ट्रीय जनता दल बक्सर के तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और आज हम लोग का ये बैठक रखा गया है, 28 तारीख को हम लोग का पटना के बाबू सभागार में तेजस्वी जी और आदरणीय लालू जी के साथ में हम लोग के युवा राजद जिला कार्यकारिणी, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष का बैठक है जी। इसके लेकर आज हम लोग यहाँ जुटे हैं और लोकसभा के चुनाव को देखते हुए जी, हमारे युवा राजद बक्सर के साथियों ने बूथ स्तर तक अपने टीम मजबूत कर लिया है। किसी परिस्थिति में अब की बार हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ फेंकना है। किस चीज चुनाव के लिए तैयार, मतलब बूथ स्तर तक किए हैं? अभी तो हम लोग का लोकसभा के चुनाव की तैयारी चल रहा है। लोकसभा जी, फिर विधानसभा का चुनाव साथ हो जाएगा तो फिर कैसे तैयारी होगा? एकदम हम लोग तैयार है ना। अरे बीजेपी कहता है कि हमेशा हम चुनाव के लिए तैयार हैं, आप लोग कह रहे हैं लोकसभा, तो ये थोड़ा बात हुआ कि हम लोग भी हर चुनाव के लिए हम लोग भी तैयार हैं। हाँ, लोकसभा हो, विधानसभा हो, जैसे भी हो, साथ में भी करवाना दे। हाँ, हम लोग एकदम तैयार है, स्वागत करते हैं कि चुनाव करवा दे साथ में, एक साथ हम लोग एकदम पूर्ण बहुमत से बिहार में आएंगे। आज 24 में भी हम लोग 40 के 40 सीट जीतने का महागठबंधन का साथियों यहाँ पर काम करेगा। अब की पारी नरेंद्र मोदी को समझिए कि यहाँ से विदाई कर देना। बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्री जो भी हैं, एक का कहना है कि अब कुशवाहा को डरने की जरूरत नहीं है और दूसरे का कहना है कि अब हिंदू को डरने की जरूरत नहीं है, क्या इस पर कहेंगे? मैंने कौन सा हिंदू का डरने का बात नहीं है, जो हिंदू है, उन सनातन है, सना उन लोग हिंदू बनाए ना, कि किसको हिंदू के कैटेगरी में रखे हैं, कौन हिंदू के कैटेगरी से बाहर है, वो पहले तो बताए कि हिंदू को डरना नहीं है। कौन हिंदू की बात करते हैं? वो बताए कि कौन से हिंदू की बात है, कौन? हम भी नहीं, हम सुनिए, हाँ हम लोग भी हिंदुए हैं, ठीक, हम लोग भी हिंदुए हैं। कहा कोई कभी यहाँ पर दिक्कत परेशानी है बिहार में हो? तो वो कह रहे हैं कि अब डरने का जरूरत नहीं है, मतलब इसका अर्थ क्या है? वो झूठों के, वो चुनाव के लिए अपना बहाना बना डरने का है क्या? किसी के क्या हो रहा है कि डरने की बात नहीं है? हमको मारा पीटा जा रहा है, एक कह रहे हैं कि कुशवाहा आप डरेंगे नहीं, हम आए उनके साथ। तो कुशवाहा के कौन मार पीट रहा है कि कुशवाहा को डरने की बात नहीं है? वो उन लोग का भरमाने का काम करता है, वो उन लोग शिक्षा पर बात करें ना, रोजगार देने का बात करें ना। अरे कुशवाहा की क्या बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी, उनके पूर्वज को जिन लोगों ने मारा गोली से, आज उन्हीं लोग के साथ खड़ा है। अच्छा, और बात कर रहे हैं कुशवाहा का, कुशवाहा का हक तो लालू प्रसाद यादव जी ने दिया, जगदेव प्रसाद को शहीद का दर्जा दे करके और उनको सम्मानित करने का काम किया। अगर वो जगदेव प्रसाद, उनसे पूछिए सम्राट चौधरी जी से, पगड़ी वाले से, अच्छा, क्या आप जगदेव प्रसाद को मानते हैं कि जगदेव प्रसाद का जो हत्यारा है उसको मानते हैं कि लौ कुश का सरकार आ गया बिहार में, अब कोई डरने होने का बात नहीं है? अरे कभी कोई डरता कहाँ है? हाँ, बिहार किसी से डरता है? हाँ, वो झुठमुठ का वो नाटक कर रहे हैं कुशवाहा के नाम पे, वो असली कुशवाहा है ये नहीं है। अच्छा, जो असली कुशवाहा होगा वो जगदेव प्रसाद के हत्यारों के साथ कभी जा नहीं सकता है। क्या कह रहे हैं सर? हम लोग के भी पार्टी में बहुत से कुशवाहा भाई है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में निकलिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि कुशवाहा किसके साथ है। हाँ, वो क्या कुशवाहा के ठिका लिया है क्या? उनका कोई ठर ठिकाना है? झूठे का मुरठा बांध के घूम रहे हैं, वो क्या करेंगे? आपको एक बात बताना चाहता था, वो बक्सर में आए थे, बक्सर में होता, हमको लगता है कि 3-4 माह पहले बक्सर में आए थे जी। यहीं पर ज्योति प्रकाश जी का मूर्ति है, इसी रास्ते से गुजरे, क्यों नहीं ज्योति प्रकाश के मला अर्पण किए जाकर वहाँ पर, क्यों नहीं किए? हैं, वो ठीका लिए हैं मौर्य भाई लोग का, जाके आप ग्रामीण क्षेत्र में पता कीजिए ना, खुद उन लोग उनको गाड़ी दे रहे हैं वो सब भाई लोग, हैं वो क्या बतियाएंगे?
ये डरने की बात नहीं है। क्या कह रहे हैं सर? कुशवाहा की बात करते हैं, अपना जगदेव प्रसाद कुशवाहा का नाम सुना होगा आपने? जी जी बिल्कुल। उस आदमी को लालू यादव सरकार से पहले किसका दर्जा मिला था? नक्सली का दर्जा मिला था। लालू यादव की जो भी सरकार आई तो उन्होंने क्या शहीद का दर्जा दिया ना। तो कुशवाहा के सबसे बड़े शुभचिंतन कौन है? अब इन्हें यही जवाब देंगे। अभी ज्योति प्रकाश का नाम सुने होंगे आप, ज्योति प्रकाश मंजू प्रकाश के पिता थे, उनकी भी हत्या कर दी गई। तो ज्योति प्रकाश का मूर्ति कौन लगवाया, कौन मौका दिया? लालू जी।